आपने अक्सर ये देखा होगा कि कहीं आप रनिंग कर रहे हो तो उतने में कोई दूसरा व्यक्ति रनिंग करते समय आपसे आगे निकल जाता है। उस समय आप ये महसूस जरूर करते होंगे कि मैं भी इससे तेज दौड़ कर इसे पीछे छोड़ दूंगा, पर जैसे ही आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं तो आप थक जाते हैं, आपका स्टैमिना खत्म हो जाता है, आपकी सांस फूलने लगती है, फिर आप उस व्यक्ति की ओर देखते हो जो अभी भी उसी स्पीड में दौड़ रहा है जिस स्पीड में उसने आपको पीछे छोड़ दिया था, फिर आप सोचते हो कि क्या वो नहीं थकता। दरअसल उस स्तर तक पहुंचने के लिए उस व्यक्ति ने काफी हार्ड ट्रेनिंग की होती है जिससे आप अनजान होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी स्पीड में दौड़ें और जल्दी ना थकें, तो आज हम आपको कई ऐसी तकनीक बताने वाले हैं जिससे आप अपना स्टैमिना और स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। रनिंग का सही तरीका। कुछ लोग होते हैं जो रनिंग करते हुए कभी नीचे देखते हैं, कभी ऊपर तो कभी दाएं बाएं नजर घुमाते रहते हैं। ये रनिंग करने का बिल्कुल ही गलत तरीका है। रनिंग करते वक्त हमारा सिर एकदम सामने की तरफ होना चाहिए। अगर सिर नीचे या ऊपर की तरफ झुका रहेगा तो गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। आप अभी गर्दन को ऊपर नीचे कर इसे आजमा सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। भागते वक्त ना तो ज्यादा आगे की तरफ झुकें और ना ही पीछे की तरफ। कोशिश करें कि आपका शरीर रनिंग के वक्त थोड़ा सा आगे झुका रहे। एक्सरसाइज के लिए रनिंग को सबसे अच्छा तरीका माना गया है। इसमें कोई ज्यादा झंझट नहीं होता और इसके लिए आपको केवल एक जोड़ी जूते और सही कपड़ों की जरूरत होती है। हालांकि रनिंग शुरू करना बेहद सरल है और इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर सभी को ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर आप नियमित रूप से रनिंग करते हैं तो फिर आपको अपने जूते का चुनाव सही ढंग से करना चाहिए। आम जूते और रनिंग जूते में फर्क होता है। दौड़ने के लिए अगर आप सही जूते का चुनाव नहीं करेंगे तो इससे टखने और दूसरे जोड़ों पर दबाव पड़ेगा। नियमित रूप से 30 से 40 मिनट दौड़ने से बीमारियां नहीं होती और दिल भी मजबूत होता है। ये दिल की बीमारियों से बचाता है और साथ ही आपको फिट भी रखता है। दौड़ना शुरू करते समय थोड़ा संयम बरतें और पहले ही दिन तेजी से दौड़ने ना लगें। आप तेज चलने से शुरुआत कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे दौड़ना शुरू करें। ऐसा करीब एक सप्ताह तक आपको करना पड़ेगा। रनिंग के दौरान एक और बात का ध्यान रखें, कभी भी बहुत तेज ना दौड़ें। इससे शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा और आप जल्दी ही थक भी जाएंगे। बहुत तेज दौड़ने पर आपका शरीर भी दुखेगा और दिन भर आलस्य हावी रहेगा। रनिंग के दौरान कभी भी जमीन पर जोर से पैर न पटकें, इससे आपके शरीर पर दबाव पड़ेगा। अगर आपने रनिंग शुरू कर दी है तो फिर आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार लेना जरूरी हो जाएगा। ये एक तरह का ईंधन है जिससे दौड़ने के दौरान हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। पहले हफ्ते में आप 4 मिनट तक तेज चलकर 1 मिनट की दौड़ लगा सकते हैं। इसे 5 राउंड तक करते रहें। दूसरे हफ्ते में आप दौड़ने के लिए अधिक समय दे सकते हैं, इसलिए तीसरे सप्ताह में आप 1 मिनट दौड़िए और 2 मिनट तेजी से चलिए। इस क्रिया को 7 बार दोहराएं। तीसरे सप्ताह आपके दौड़ने का समय थोड़ा ज्यादा होगा। इस सप्ताह आप 2 मिनट तेज चलने की बजाय 1 मिनट तेजी से चलें, यानी 1 मिनट दौड़ लगाएं और अगले मिनट तेज चलें। इस क्रिया को 10 बार दोहराएं। चौथे सप्ताह में आपके दौड़ने का समय पहले की तुलना में अधिक होगा, यानी अब आप लगातार दौड़ने के लिए कुछ हद तक तैयार हो गए हैं। 3 मिनट दौड़िए, फिर 1 मिनट तेज चलिए। इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराइए। इसके बाद आप अपना रनिंग टाइम बढ़ा सकते हैं और 5-5 मिनट के रनिंग सेट के बीच थोड़ा समय आराम कर सकते हैं। ध्यान रखें कि रनिंग से ज्यादा रनिंग का जूता मायने रखता है। अगर आपका रनिंग करने का जूता सही नहीं है तो आपके पैरों में छाले भी पड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा जूता अच्छी क्वालिटी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जूता एक ही बार लिया जाता है जो आराम से 1.5-2 साल तक चल जाए। ऐसे बढ़ाएं स्टैमिना। स्टैमिना को मानसिक और शारीरिक आधारों पर बांटा जा सकता है। हेल्दी लाइफ के लिए दोनों तरह के स्टैमिना की जरूरत होती है। अक्सर लोगों का सवाल रहता है कि स्टैमिना कैसे बढ़ाया जा सकता है।
स्टैमिना बढ़ाने के उपाय ऐसे नहीं होते हैं कि आपने कुछ खाया या कोई एक एक्सरसाइज की और आपका स्टैमिना बढ़ गया। स्टैमिना बढ़ाने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होता है। चलिए अब आपको बताते हैं स्टैमिना बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेज या व्यायाम। अगर आपको अपना स्टैमिना बढ़ाना है और हेल्दी रहना है तो आपको रोजाना शारीरिक श्रम या एक्सरसाइज की जरूरत होती है। अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप पूरे दिन शारीरिक श्रम नहीं करते हैं तो आपको दिन में कुछ घंटे एक्सरसाइज के लिए निकालने चाहिए। एरोबिक्स से करें शुरुआत। अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो आप एरोबिक्स से स्टैमिना बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज या व्यायाम ऐसा होता है जिसमें शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। एरोबिक एक्सरसाइज करने से हार्ट बेहतर तरीके से काम करता है। एरोबिक के अलावा आप अपना स्टैमिना बढ़ाने के लिए साइकिलिंग, वॉकिंग, जॉगिंग और स्विमिंग भी कर सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज आप एक दिन में 30 मिनट से 60 मिनट तक कर सकते हैं। बेहतर स्टैमिना के लिए वेट ट्रेनिंग। अगर आप रोजाना वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं तो आपका स्टैमिना बेहतर रहता है। कई शोधों में ये बात सामने आई है कि जो लोग रोजाना वजन उठाने के लिए गतिविधि करते हैं उनका स्टैमिना अन्य लोगों की तुलना में बेहतर होता है। वेट ट्रेनिंग से शरीर की सभी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, साथ में शरीर का लचीलापन भी बढ़ता है। स्टैमिना बढ़ाने वाली डाइट। हेल्दी शरीर के लिए अच्छी डाइट की भी जरूरत होती है। अगर आप अपने शरीर का स्टैमिना बढ़ाना चाहते हैं तो आपको हेल्दी डाइट भी लेनी पड़ेगी। स्टैमिना बढ़ाने वाले फूड या स्टैमिना बढ़ाने वाली डाइट के बारे में सबसे मुख्य बात ये होती है कि आपके खाने में पर्याप्त मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और जरूरी अन्य पोषक तत्व शामिल हों। अगर आप शाकाहारी हैं तो साबुत अनाज का सेवन आपके शरीर का स्टैमिना बढ़ाने में काम कर सकता है। हेल्दी प्रोटीन के लिए आप स्प्राउट्स, पनीर या दूध का सेवन कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप अंडे और चिकन को शामिल कर सकते हैं। शरीर को पर्याप्त ऊर्जा देने के लिए पानी की कमी ना होने दें। पानी पीने से शरीर की मांसपेशियों की थकान कम होती है। आप जब एक्सरसाइज करते हैं तब भी पानी की जरूरत होती है। बेहतर स्टैमिना के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। अगर आप अपना स्टैमिना बेहतर रखना चाहते हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए। स्टैमिना बढ़ाने के उपायों में सबसे जरूरी उपाय ये भी होता है कि आप समय पर सो जाएं और समय पर उठ जाएं। सेक्सुअल स्टैमिना और शारीरिक स्टैमिना में अंतर होता है। जब स्टैमिना की बात होती है तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि सेक्स ड्राइव या सेक्सुअल स्टैमिना की बात हो रही है। सच्चाई ये है कि शारीरिक स्टैमिना में सेक्सुअल स्टैमिना बस एक पार्ट है। अगर आपका शारीरिक स्टैमिना बेहतर रहता है तो सेक्स ड्राइव या सेक्सुअल स्टैमिना भी ठीक रहता है। स्टैमिना बढ़ाने के लिए जरूरी बातें। एक्सरसाइज के समय को धीरे धीरे बढ़ाएं। अचानक से भारी वजन ना उठाएं, हल्के वजन से शुरुआत करें। दौड़ने की शुरुआत भी धीरे धीरे करें और प्रत्येक दिन और सप्ताह में समय और गति को बढ़ाएं। रोजाना एक्सरसाइज की आदत डालें। रोजाना किसी एक खेल को भी शामिल कर सकते हैं। मौसम के अनुसार फल और सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें और सुबह के समय टहलने की आदत को भी शामिल करें। तो दोस्तों, हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और तमाम हेल्थ से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में अपनी राय लिखकर भी जरूर बताएं। और आप अगर हेल्थ से जुड़ी और भी कोई तरह की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमें वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ताकि हम हमारी अगली वीडियो में आपके लिए इससे बेहतर जानकारी ला सकें।